बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे वीरन वीरनियों? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हैप्पी होंगे। तो आज ना हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार, टेस्टफुल, इजी, आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी लेके आ गए हैं। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट, मीन के नाश्ता। तो नाश्ता वो भी इतना मज़े वाला, आपने ट्राई ज़रूर करना। सिंपल है ना, ये चीज़ें इसमें जाएंगी। शिमला मिर्च है, टमाटर हैं, अंडे हैं, दो तीन वाली फ्रेश मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया, बस यही चीज़ें। तो अब ना चलते हैं फटाफट अपनी रेसिपी की तरफ, जो बड़ी ही जल्दी बन गई। तो 10 से 12 मिनट में, तकरीबन मैक्सिमम 15 मिनट के बीच बीच में ब्रेकफास्ट नाश्ता तैयार हो जाता है। तो चलें जी, कर लेते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। पैन में 2-3 चम्मच मैंने पहले से ही ऑयल डाल के रखा हुआ है गर्म होने के लिए, और 3 से 4 कलियाँ चॉप करके काट ली हैं लहसुन की, वो भी इसमें डाल लिए। तो अब जी जैसे लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज होता है, तो इसमें साथ ही कर देंगे शिमला मिर्च, रेड वाली शिमला मिर्च जो हमने आपको पहले दिखाई है, वो काट ली थी इस तरह हमने। तो थोड़ा सा इसको 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है, भून लेना है, इसकी बुनाई कर लेनी, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना। कवर कर देते हैं 1.5 से 2 मिनट के लिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं। इसका क्रंची बना रहना चाहिए जब आप खाएं ना, तो इसका थोड़ा बाकी टेस्ट रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गल जाएगी ना, फिर इसका अपना टेस्ट जो है ना, वो एक अजीब सा हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने पैन को ओपन कर लिया है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ़ौरन इसमें कर देंगे टमाटर। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले लें। टमाटर जब आप कहेंगे ना, जब 3 से 4 मिनट पकते हैं, तो फिर इतनी प्यारी इसकी एक खुशबू आती है ना, ना पूछें। तो आपने ना पक्का रहना है मेरे साथ, हमने ट्राई ज़रूर करनी है ना। तो इसमें ना तो ज़्यादा हमने मिर्ची डाली है, नमक हमने आगे चल के बताते हैं, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, जितना आपको पसंद हो उतना। मिर्चें तो बिल्कुल भी नहीं, ब्लैक पेपर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऐड कर लें। अब ये टमाटर मिक्स करने के बाद कर दिए दोबारा कवर 3 से 4 मिनट के लिए। तो कवर हटाने के बाद देख लें, टमाटर हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं, और साथ ही थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ अगर अवेल हो तो आप डाल लें, वरना स्किप कर देना। मैंने इसके बगैर भी ट्राई की है, बहुत मज़ेदार है, मतलब टेस्ट बहुत मिलता जुलता है, लेकिन चीज़ के साथ ना फिर अपना ही एक स्वाद होता है। अच्छा जी, जब हमने इसके ऊपर चीज़ डालनी है, तो साथ ही हमने जो फ्रेश वाली रेड मिर्ची ली थी चॉप करके काटी हुई थी, वो भी ऐड कर देंगे। अब करना क्या है, थोड़ा सा इसको कर लेना मिक्स, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़रा सा इसको ऊपर नीचे करना। बहुत ज़्यादा मिक्स करके तो चीज़ को नीचे नहीं लेके जाना, थोड़ा ऊपर ऊपर नज़र आनी चाहिए। और फिर साथ ही कर देंगे अंडे ऐड। अच्छा जी, अंडे ऐड करने के बाद फिर आगे चल के हम आपको बताते हैं। हूँ ना तो करना एक काम की करना है ना, कि इन्हों 4-5 मिनट ना अंडे कवर करके छटना है। 4-5 मिनट कवर करके छटेंगे ना, तो वो फिर ना वो जो आप करते हैं ना अक्सर पाकिस्तान में, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट नाश्ते में खाया जाता है, बाहर भी मिलता है होटलों में भी, हाफ़ फ्राई जिसको बोलते हैं, तो हाफ़ फ्राई की तरह रहता है, और फिर ना पूछे इसका टेस्ट ना। ओहो, तो अब ना अंडे डालेंगे। अच्छा जी, अंडे डालने के बाद ना थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। आप चाहें तो पिसा डाल लें, साबुत डालें, साबुत ज़रा अच्छा लगता है, तो आप भी कोशिश करें साबुत ही डालें। अच्छा जी, अब फिर से कवर कर देना है इसको 4 से 5 मिनट के लिए, बस इतने। अगर आपके पास टाइम हो तो 6-7 मिनट के लिए कर लें, कुछ अच्छी तरह पक जाएंगे। तो इसके बाद ना करना क्या, जब कवर हटाते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं। मैंने ना बात करनी है, अब ना देखें मुझे, अगर आपने जसूस बोला, आपने जिन बोला ना, तो मैंने ना फिर वो 72 मसालों वाली रेसिपियाँ स्टार्ट कर देनी है, ना हो किसी के पास इतने मसाले हो ना बनाए। तो अब जी कवर हटाने के बाद ना थोड़ा सा कर देंगे इसके ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड। अच्छा, सब्ज़ धनिया के साथ जब गार्निश कर लेंगे, तो फिर से कवर कर दें 1-2 मिनट के लिए बस। तो आपने हमें अपना फीडबैक देना है, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अच्छा, उन दोस्तों पता ही करना है, अपना भी ख्याल रखना है, तो अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है, और साथ में मेरे चैनल का भी आपने ख्याल रखना है। तो अंगूठे से ना दबाना बिल्कुल भी बोलना। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।